हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी इमोशनल वीडियो। इसको अपन व्लॉग तो नहीं कहेंगे, ना वीडियो कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। बस मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाह रहा था। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कल वाला आपने व्लॉग देखा होगा जिसमें मेरे को गोली खानी पड़ गई थी। और आज भी ठीक नहीं है तबीयत, इस वजह से मेरे गले में दर्द हो रहा है, यहाँ पे बहुत तेज़ पेन हो रहा है, बोलने जा रहा है। मेरे को फिर भी वीडियो बनानी पड़ रही है। जो आपने कल व्लॉग देखा उसमें आपको दिखाई दिया था मैंने क्या तबीयत सूरत हाल है। तो अब शुरू करते हैं बात सीधा, जो आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो हमला हुआ है, आप बहुत से लोग तो जानते होंगे, मगर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। मैंने दो दिन से सोचा हुआ था, बनाऊँगा, टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने आज सोचा आज बना लेते हैं अपन वीडियो। तो व्लॉग मेरा गले में वैसे दर्द था, बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है, अभी भी मुँह छाले भी भरे हुए हैं, तो फिर भी आपके लिए बोलना पड़ रहा है, स्टैंड लेना पड़ रहा है फ़लस्तीन वालों के लिए। अब आते हैं मेन बात पे, जो फ़लस्तीन वाले हैं ना, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। जुल्म समझते हैं ना आप? ये सपोज़ कर लें, आप अपने इस्लाम में जब आया है कि आप बिला फालतू किसी चीज़ को नहीं मार सकते, आप ना किसी भी चीज़ को नहीं मार सकते, आप डॉगी आई मीन गाली दे रहा मैं, जैसे आप डोगी को भी नहीं मार सकते इस्लाम में। ये आया कि आप उसको बिला फालतू में ना आप उसको मार सकते हो ना कुछ कर सकते हो। और ये इसराइल ने फिर भी हमारे फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बिला फालतू में अत्याचार किया, और इसराइल के साथ भी हुआ ये भूल। अल्लाह ताला ने बोला है कि अगर तुम मेरे बंदों के साथ बुरा करोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सारे 57 कंट्रीज़ ने ऑर्डर दिया है कि इसराइल पर हमला करने का। इसराइल वाले हिल गए हैं पूरे, इनको मना करते थे ये मानते नहीं थे इसराइल वाले, अब इन्होंने स्टैंड लिया है ना। और रूस ने कहा है कि अगर इन्होंने यूके वालों ने अगर इसराइल को बम दिए मिसाइल, तो फिर बोले मैं, रूस ने बोला है कि मैं पूरा इसराइल तबाह कर दूंगा, फिर मैं भी जंग छिड़ जाएगी। तो ये कुछ सीन है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं डोनेट वगैरह तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पर एक मैं पोल डाल दूँगा फ्री फ़लस्तीन के हिसाब से। और उसमें अगर आप देना चाहें, आपकी मर्ज़ी, 1 रुपया भी देंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 रुपया भी अगर आप देंगे तो लोग, लाखों लोग देखेंगे, तो उनके अंदर से फिर लाख ही बन जाएंगे। 1 रुपया अगर लोग देते हैं, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी पे लगाया हुआ है, तो मैं भी स्टोरी पे लगा दूंगा, तो आप आके देख लीजिएगा स्टोरी को, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ जाके आप स्टोरी पे देख लीजिएगा, वहाँ से डोनेट कर सकते हैं पैसे अगर आपको करना चाहे तो। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, यह आपके इस साइड पर वीडियो चल रही होगी, देखें कि इनके बम कैसे बकायदा करते हुए दिख रहे हैं, इतनी तेज बम गिर रहे हैं कि दूर तक हवा उड़ा के ले गए। कितना बुरा हुआ, इतने बच्चों की क्या गलती थी, मैं सोच के जिनके साथ में जुड़ गया। और ये जो मैं तुतला रहा हूँ ना, इसकी वजह ये दोबारा में छाले होने से बोला सही नहीं जा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्टैंड लेना फ़लस्तीन के साथ हम है, मुस्लिम कम्युनिटी हम कुछ हम है। अगर आप घर आप कुछ कर नहीं सकते, आप असला नहीं उठा सकते ना, जा नहीं सकते, तो आप स्टैंड लो, वीडियो बना के सोशल मीडिया को हिला कर रख दो पूरा, जैसे इंस्टाग्राम आज हिला हुआ है। मेरे पास सारी वीडियो इंस्टाग्राम पे यही आ रही है कि फ़लस्तीन फ्री फ़लस्तीन फ्री फ़लस्तीन। और मैं ये गलत नहीं बोल रहा, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस, प्लीज़ इस वीडियो को डिलीट मत करना, क्योंकि मैंने टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी फ्री फ़लस्तीन के हिसाब से, उस पर व्यूज़ ही नहीं आए, पता नहीं ये टिकटॉक वाले इसराइल के साथ हैं, पता नहीं क्या सीन है। और एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की रही थी, बच्चे रो रहे थे फ़लस्तीन के और तबाही दिखा रहे थे, उसको यूट्यूब वाले ने कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक मार दिए, बताओ, वीडियो डिलीट कर दी खुद ही ने। ये कोई सही बात है यार, जब बेचारों के साथ इतना बुरा हो रहा है, उनके बच्चे छोटे छोटे मारे जा रहे हैं, तो उनको दुख नहीं होगा, उनकी तो ज़िंदगी थी। वैसे कन्फर्म तो वो जन्नत ही हैं, शहीद हुए हैं अपने मुल्क के लिए, जो उनके साथ हुआ है वो गलत है। हमारी मस्जिद अक्सर वहीं पर ही है फ़लस्तीन में, और जो इसराइल चाह रहा है, यहूदी चाहते हैं कि वो मस्जिद तोड़ी जाए और उसमें से कुछ निशाने निकाले जाएं, अल्लाह बेहतर जानता है मस्जिद अक्सा में कुछ है या नहीं, मगर ये काफिर ये मानते हैं कि मस्जिद अक्सा में कुछ है और वो हम निकालना चाहते हैं। तो यही कहना चाहूँगा बस, मैं आप सब दुआ करें, और डोनेट करना चाहता वो डोनेट कर दे पैसे, भाई मैं तो अपनी तरफ से फुल मदद करूँगा, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर भी डाली है और यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, अभी ये व्लॉग आ जाएगा, अभी थोड़ी देर में ये एडिट करके अपलोड कर दूँगा इसको 1.5 घंटे में, और मैंने उसके ऊपर भी डाली है, टिकटॉक पे भी डाल रहा हूँ फ्री फ़लस्तीन के हिसाब से। आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप असला नहीं उठा सकते, तो आप घर बैठे कुछ उनकी मदद कर दो, ताकि उनके साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी ना हो। उनके जो डोनेट है वो सीधा फ़लस्तीन में जाएंगे। ईदी वालों का अपने ख्याल में वो है अकाउंट, ईदी वालों ने डाली हुई है पोल, उसके अंदर ये कुछ
चीज़ों से रिलेटेड थी। तो बस मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में, शायद मेरे ख्याल में व्लॉग भी डील हो सकता है। और गाइज मेरे को बताना था, जो मैं हम बाहर थे ना सरप्राइज कहीं जा रहे हैं, तो वो कैंसिल हो चुका है कुछ रीजंस की वजह से। तो अगले संडे को है, इस संडे नहीं आ रहा व्लॉग। कई दोस्त की शादी है, वहाँ तो जाएंगे, वहाँ व्लॉग बनानी है। तो बस यही था, आई होप वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिएगा, इतना शेयर करें इसको, इतना शेयर करें कि ये हर जगह पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में वीडियो फैल जाए, इतना शेयर करें। बस मैं हाथ जोड़ के ये आपसे गुजारिश कर सकता हूँ।